हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, इस समय गार्डन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सभी विंटर के फ्लावर हैं और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हुई है हमारे गार्डन में। गार्डन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जल्दी ही मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है हमारे गार्डन में और काफ़ी फूल खिले हुए हैं। आज की वीडियो हमारी इन फूलों पर नहीं है, आज की वीडियो हमारी कुछ खास है। और मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके गार्डन में मिट्टी ख़त्म हो जाए और आपको प्लांट लगाना हो तो आप कैसे लगा सकते हैं, यही हमारी इस वीडियो में है। और मैंने सोचा कि आपसे ये वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि मैं प्लांट लगाने जा रही थी और इस समय हमारे पास मिट्टी ख़त्म हो गई है, तो मैंने किस तरह से उसका जुगाड़ किया हुआ है, यही मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मैं बताऊँगी किन किन सामानों को लेकर के और हम पॉट को फिल कर सकते हैं ताकि ऊपर प्लांट चलता रहे और नीचे हमारे वेस्ट मटेरियल से मिट्टी अच्छी तरह से बनती रहे और जो भी हम मटेरियल डालते हैं वो डीकम्पोज्ड होकर के अच्छी मिट्टी बनकर तैयार होगी और प्लांट के लिए फ़ायदेमंद भी होगी और प्लांट हमारा अच्छी ग्रोथ पे भी रहेगा। तो यही सब आज की हमारी इस वीडियो पर है। तो वीडियो को आप हमारे पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम पॉट को फिल करते हैं अगर हमारे गार्डन में मिट्टी ख़त्म हो जाती है, तो वो कौन से ऐसे सामान हैं जो हमारे गार्डन से निकलते हैं और मैं उनको यूज़ में लेती रहती हूँ। ये वो हमारे गार्डन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है और जिनको मैंने एक किनारे रखा हुआ है। अभी मैंने इसको कार्डबोर्ड के एक डब्बे में रखा हुआ है और ये कार्डबोर्ड ख़राब हो चुका है और मुझे इनको कहीं हिफाजत से रखना है। और अब मैंने सोचा है कि मैं इनको पॉट में डाल दूं और ताकि ये अच्छी तरह से डिकम्पोज होती रहे और मैं ऊपर से प्लांट लगा सकूं। इसी तरह से मैं ग्रो बैग वगैरह भरती रहती हूं और हमारे गार्डन में वो अच्छी तरह से बने रहते हैं और मैं उनके ऊपर प्लांट लगा देती हूँ और हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पर चलते हैं। तो देखिए, ये वही वेस्ट मटेरियल है और ये सूखा मटेरियल है। कुछ हमारे गार्डन से निकली हुई पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं और कुछ मैंने किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल लिए हुए हैं, जैसे ये मटर के छिलके वगैरह हैं। तो यही सब है और इसी को मैं पॉट में डालने वाली हूँ। अभी मैंने जल्दी गार्डन की साफ़ सफाई की है और देखिए, घास वगैरह और जो भी हमारे गार्डन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल, ये सब मैंने इस ग्रो बैग में डाला हुआ है। और इसके बाद में मैं ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगा दूंगी और इसमें पानी का छिड़काव करती रहूंगी और ये नीचे ही नीचे डीकम्पोज्ड होती रहेगी। अगर चाहते हैं तो इसमें ऊपर से प्लांट लगा सकते हैं ताकि आपका प्लांट भी चलता रहे और नीचे ये अच्छी तरह से डीकम्पोज्ड होती रहे। तो इसी तरह से पॉट को फिल करते हैं और ये ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ है। गार्डन से वेस्ट मटेरियल लेने के बाद में ये वो मिट्टी है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये लाल वाली मिट्टी है जो कि नर्सरी वाले प्लांट में लगा करके देते हैं। और जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं अपने गार्डन में तो इस लाल मिट्टी को हटा देते हैं, ये वही है। और ज़्यादातर ये हिबिस्कस में निकलती है मिट्टी और इस मिट्टी को यदि हम पॉट में डालते हैं तो इन ये हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ नहीं देते हैं। इसलिए से जो हम घर में मिट्टी बनाते हैं उसको हम डाल करके प्लांट को लगाते हैं और ये मिट्टी हमारी वेस्टेज हो जाती है। तो इसी मिट्टी को हम लेंगे, ये जो लाल मिट्टी है, और यहाँ पर हमारे गार्डन की बनी हुई सॉइल है जो मैं अपने गार्डन में बनाती रहती हूँ, ये थोड़ी सी मिट्टी है और इसको मैं ऊपर से एक लेयर लगाऊंगी, इसलिए से मैंने इसको लिया हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसा सामान है जिसको मैं पहली बार आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये बुरादा है लकड़ी का, इस लकड़ी के बुरादे का भी मैं यूज़ करती रहती हूँ अपने गार्डन में। और अभी सर्दियों में मैंने मंगाया हुआ था और थोड़ा आग वगैरह जलाने के लिए, और अभी ये बच गई है तो अगर हम इसको कहीं रखते हैं तो ये फालतू इधर उधर पड़ी रहेगी, इसलिए से मैं इसको भी यूज़ में ले लेती हूँ। और यही सब मिलाने के बाद में मैं अपने इस पॉट को फिल करूँगी, जो मैंने ये पॉट लिए हुए हैं। पॉट हैं ये लोहे के टब और इसमें ड्रेनेज होल बना हुआ है, मैंने नीचे पॉली बैग का टुकड़ा लगाया हुआ है, थोड़ी सी मैंने ऊपर लाल मिट्टी डाली हुई है। इसी तरह से ये पॉट भी मैंने लिया हुआ है और इसमें भी मैंने पॉली बैग का कपड़ा लगाया हुआ है और थोड़ी सी मैंने ऊपर से लाल मिट्टी डाली हुई है। मैंने इनके होल, जो ड्रेनेज होल हैं, उनको कवर किया हुआ है और कवर करने के बाद में अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें वेस्ट मटेरियल
जो हमारे गार्डन से निकलता रहता है, सूखी पत्तियां वगैरह जो भी हमारे गार्डन से निकले हैं, मैंने उनको नीचे बेस में बिछा दिया है और दोनों ही पॉट में मैंने इसी तरह से बिछाया हुआ है। अभी हम इसमें ये जो लकड़ी का बुरादा है इसको मिलाएंगे और बहुत ही एक पतली लेयर लगानी है। जब हम इसको ऊपर से मिट्टी से कवर करेंगे और पानी डालते रहेंगे तो ये अच्छे से डीकम्पोज हो जाएगी और बहुत ही हल्की लाइट वेट मिट्टी बनेगी ये। इन्हीं सब चीज़ों से मैं अपने पॉट को फिल करती रहती हूँ और हमारे गार्डन में मिट्टी की कमी नहीं होती है। तो देखिए मैंने दोनों ही पॉट में डाल दिया है और अब हम ऊपर से मिट्टी की लेयर लगाएंगे। दोनों ही पॉट में मैंने इस लाल मिट्टी को डाल दिया है, पतली सी लेयर मैंने लगा दी है और अब हम अच्छी सी मिट्टी इसके ऊपर से बिछा देंगे। दोनों ही पॉट में मैंने वेस्ट मटेरियल को बिछा दिया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें अच्छी सी मिट्टी जो मैं अपने गार्डन बनाती हूँ उस पर बिछा दूँगी और पतली सी लेयर लगाने के बाद में मैं इसमें पानी का छिड़काव करूँगी। तो इस मिट्टी को डालते हैं, इसमें अच्छी तरह से सब कुछ मिला हुआ है। ये हमारे गार्डन की मिट्टी है और मैंने रेत इसमें मिलाई हुई है और कंपोस्ट वगैरह भी इसमें मिली हुई है। ये बनी बनाई मिट्टी है और मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से बिछा दूंगी। पॉट हमारा फिल हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से रेडी किया है मैंने। अब मैं इसमें पानी का छिड़काव कर दूंगी और अभी मैं इसको 2-3 दिन कहीं साइड में रखूँगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और इसमें आप प्लांट लगा सकते हैं। अगर लगाना है तो इसमें आप किसी भी तरह का प्लांट लगा सकते हैं, जैसे पुदीना वगैरह लगा सकते हैं, धनिया बल लगा सकते हैं और आप चाहते हैं तो इस समय पर्सलेन एंड पोर्चुलका के प्लांट लगा सकते हैं। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। और इसमें मैं पानी का छिड़काव करके और साइड रख देती हूँ, 2-3 दिनों के बाद में इसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि मैं इसमें पर्सलेन एंड पोर्चुलका के प्लांट लगाना चाहती हूँ दोनों ही पॉट में और इसी तरह से मैंने पॉट को फिल किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से पॉट को फिल करें अपने वेस्ट मटेरियल से जो गार्डन से निकलता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।